10 ml of 0.1 molar HCl is taken in beaker, ठीक है, इन्होंने कहा कि 100 ml 0.1 मोलर HCl ले लिया बीकर में। अब क्या हुआ है कि 100 ml 0.1 NaOH आपने डाला स्टेप बाय स्टेप, दो दो ml डाल रहे हैं, ठीक है, 100 ml ले लिया और ये NaOH पे 0.1 मोलर। अब कह रहे हैं कि द pH इज कंटिन्यूअसली मेजर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्ट डिपिक्ट्स द चेंज इन pH। नाउ देखिए, ये बेसिकली टाइट्रेशन में का टॉपिक हो गया इसमें, है ना। अब देखिए टाइट्रेशन में क्या है कि ये इसका M1V1 हमें नॉर्मली पता नहीं होता। M1V1 मतलब इनमें से कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो पता रहेगा, मोलैरिटी कुछ पता नहीं रहती हमें, तो टाइट्रेशन हमें या नंबर ऑफ एच आई एन कंसेंट्रेशन निकालने रहते हैं। हम क्या करते हैं कि इसकी जो एक स्ट्रोंग बेस के साथ, सपोज हम अगर वीक एसिड को, सपोज हम एसिड को टाइट्रेट कर रहे हैं तो हम स्ट्रोंग बेस के साथ टाइट्रेट करेंगे। अगर नीचे स्ट्रोंग बेस है तो ऊपर स्ट्रोंग एसिड होगा जिससे आप टाइट्रेट कर रहे हो, तो ऊपर वाले की तो आपको नॉलेज होती है कि क्या क्या है। जब आप ड्रॉप वाइज डालते हो तो क्या होता है, इसमें आप एक सब्सटेंस डाल देते हो जिसे बोलते हो आप इंडिकेटर। इंडिकेटर जनरली कोई वीक एसिड या वीक बेस होता है। अब इसकी खासियत क्या होती है कि एट ए पर्टिकुलर पीएच ये अपना कलर चेंज कर देता है। आपने इसमें डाल दिया ड्रॉप, अब क्या होगा, डाल रहे हो कंसंट्रेशन डाल रहे हो तो अब क्या होता है, जिस पॉइंट पे इसका M1V1 इसके M2V2 के इक्वल हो गया, जैसे ही जरा सा ड्रॉप एक और ऊपर गिरी तो आप समझ जाओ कलर चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, जिस पॉइंट में आपने पता लग गया तो आपको समझ में आ गया, इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या पीएच आया, किस कंसंट्रेशन पे आया। तो प्रोसेस है पूरा, पिछली पॉइंट में मैंने आपको समझाया हुआ था, ठीक है। तो ये इंडिकेटर का एक फंडा है, इंडिकेटर हमेशा वीक एसिड या वीक बेस ही होता है, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल रेड है, आपने पढ़ा होगा। एक चीज और याद रखिए कि जनरली स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस को आप टाइट्रेट कर रहे हो, नो मैटर व्हाट की बीकर में कौन सा है और ऊपर कौन सा है, स्ट्रोंग एसिड एंड स्ट्रोंग बेस है, तो जो जनरली पीएच रेंज आती है इसकी वो 4 से 11 के बीच की आती है, याद रख लीजिएगा इनको। ये तो इस केस में हो गया। और नाउ जब वीक एसिड और स्ट्रोंग बेस को आप टाइट्रेट कर रहे हो तो जनरली 7 से 11 के बीच में आपकी पीएच आएगी। स्ट्रोंग एसिड एंड वीक बेस को अगर आप टाइट्रेट कर रहे हो एक दूसरे के साथ कैसे भी, तो 4 से 11 के बीच में आपकी पीएच आ सकती है, 4 से 11 के बीच में। और जब वीक एसिड वीक बेस होता है, इस केस में कोई भी सूटेबल इंडिकेटर नहीं यूज होता। तो कभी आपसे कोई पूछ लिया ना, वीक एसिड वीक बेस को टाइट्रेट कर रहे, कोई इंडिकेटर बताओ इनमें से, तो कोई ट्रिकी क्वेश्चन है, कोई सूटेबल इंडिकेटर नहीं है इसके लिए, समझ में आपको, वो इसलिए नहीं है। अब देखिए आपको मैं रीजन बताता हूँ, ये जो रेंज है वो है क्या, जैसे एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, आपने टाइट्रेशन कर रहे हो, जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं इसी को ले लेता हूँ, पीएच और वॉल्यूम NaOH, बेसिकली जो ऊपर होता है ना उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आप टाइट्रेट करते हो, है ना, कितना यूज हो गया ड्रॉप 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 करके, वही तो आप कैलकुलेट करोगे। तो अब क्या है, जिस रेंज में ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है ना आपको, वर्टिकल होती है, जिस रेंज में ये वर्टिकल है, मैं एक जस्ट एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, सपोज ये वर्टिकल लाइन होती और ये जैसे सपोज स्ट्रोंग एसिड स्ट्रोंग बेस था, इसको ले लो, तो ये क्या होगा 4 से 11, जिस रेंज में ये लाइन वर्टिकल होती है वो कह देता हूं कि वो उसका बेसिकली ग्राफ बन जाता है इस टाइप का पीएच के लिए। तो जनरली इस तरह की वर्टिकल लाइन होगी तो आप रेंज बता सकते हो कि ये है। अब वीक एसिड वीक बेस में क्या होता है कि जब ये ग्राफ बनता है ना, कोई वर्टिकल लाइन ही नहीं बनती, कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, कोई इस तरह का नहीं बनता, वर्टिकल लाइन नहीं आती, वर्टिकल लाइन आनी जरूरी है। ये बात समझ में आ गई गाइज आपको। एक पॉइंट आपको मैं और बताता हूँ जस्ट एग्जाम्पल के लिए। आपने बताया, हमने देखा कि पीएच और यहाँ पे वॉल्यूम के साथ आप टाइट्रेट करते हो, ग्राफ या तो ऐसा भी हो सकता है जैसे इन सब में दिख रहा है, या ग्राफ आपका इस तरह की शेप में भी हो सकता है, ये जरूर याद करिएगा, या तो इस तरह का या फिर इस तरह का, समझ रहे हैं आप, मैंने इसमें एक साथ बना दिया, या इस तरह का या इस तरह का। जब ब्लू कलर वाले ग्राफ की शेप है जो, अगर इस तरह का ग्राफ है तो इसका मतलब क्या है,
कि आप नीचे तो एसिड है और ऊपर बेस है, बेस को आप ड्रॉप वाइज डाल रहे हो, बेस का हमें क्वांटिटी पता है, तो यो बेस इज एडेड बीइंग एडेड ड्रॉप वाइज इनटू द एसिड, तब होता है। लेकिन जब ये क्या हो जाएगा, ये उस केस में होगा जब नीचे आपका बेस हो जाएगा और ऊपर आप क्या डाल रहे हो, एसिड से डाल रहे हो, तब ये वाला बनेगा। ठीक है, ये चीज भी समझ में आ गई। नाउ अगेन, अब बैक टू अवर क्वेश्चन, इन्होंने कहा था कि 100 ml और इसको मिला दिया, टेकन इनटू बीकर और 100 ml और 0.1 NaOH इज एडेड, स्टेप्स कि 2 ml ले लिया, pH इज कंटिन्यूअसली मेजर्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ वुड डिपिक्ट द चेंज इन pH। नाउ मैंने आपको बताया नीचे तो एसिड है और ऊपर NaOH आप डाल रहे हो, तो पहली बात तो ये वाला ग्राफ तो आएगा ही नहीं, क्योंकि भाई पीएच रेंज तो तभी आएगी ना, ये तो स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होगी, और ये भी नहीं आएगा ग्राफ, क्योंकि डायरेक्शन कुछ ऐसी होनी चाहिए, ये और ये ग्राफ आपका बन सकता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस जब आप मिलाते हो तो पीएच जो रेंज आपकी 4 से 11 के बीच में होनी चाहिए, यानी जो वर्टिकल लाइन होगी ग्राफ की वो इस रेंज में होनी चाहिए। नाउ पहला ग्राफ देखोगे लगभग लगभग, देखिए थोड़ा सा आइडिया से देखना पड़ेगा आपको इसको, लगभग लगभग जो वर्टिकल लाइन है ऐसी सी दिख रही है यहाँ पे, तो आप मैं मान सकता हूँ 4 से 11 है और पीएच 7 लगभग बीच में आ रहा है। ठीक है, समझ में आपको। लेकिन जब आप इसको देखोगे इसमें 7 यहाँ पे आ रहा है, 7 के बाद कोई भी वर्टिकल लाइन नहीं है, तो यानी अगर 4 आपका यहाँ 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 कहीं भी होगा, 11 तो आपका वर्टिकल लाइन में नहीं आ रहा होगा, इसलिए ये भी नहीं है, तो ये 4 से 11 के बीच में यही ग्राफ सही बैठ रहा है। आई होप गाइज आपको ये सब कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, करेक्ट आंसर आपका ए है।